Hey guys, welcome to Anyone Can Cook with your host Dr.Alisha. आज मैं आपके साथ एक बहुत ही colourful, healthy और tasty recipe शेयर करूँगी जो कि है मसाला इडली। आज की इस मसाला इडली में हमने इडलीज के साथ veggies को combine किया है to increase its nutrition। इसे आप चाहें तो as a breakfast या as a snacks भी serve कर सकते हैं। तो आज की इस मसाला इडली को बनाने के लिए हमें चाहिए इडली, अनियन, cauliflower, carrots, capsicum, tomato, black mustard seeds, salt and red pepper powder. मसाला इडली बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे थोड़ा ऑयल, तकरीबन एक टेबलस्पून। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे एक टीस्पून राई या सरसों। इसे हम तब तक पका लेंगे जब तक कि ये थोड़ी क्रैकल करनी शुरू करे। इस स्टेज के ऊपर अगर आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। राई के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। मैंने यहाँ एक मीडियम प्याज को स्लाइसेस में कट करके यूज़ किया है। प्याज को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे या तब तक जब तक कि ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। हमें इसे पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इस रेसिपी के लिए हम इसे थोड़ा कच्चा ही रखेंगे। तो प्याज हमारा पक चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी बाकी की वेजेस। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लंबी कटी हुई 1 कप गाजर और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप गोभी। और इन सब्जियों के साथ हम इसी स्टेज के ऊपर इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। नमक डालने से हमारी सब्जी थोड़ा जल्दी पक जाएगी। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। इसे भी हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, हम इसे ऑलमोस्ट 80-90% तक कुक करेंगे ताकि हमारी सब्जियों का क्रंच इसमें बना रहे। 4 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब हम एक बार अपनी सब्जी को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप लंबी कटी हुई शिमला मिर्च। मैंने यहाँ हरी शिमला मिर्च यूज़ की है, आप चाहें तो इसमें लाल या पीली कोई भी शिमला मिर्च इसमें यूज़ कर सकते हैं। शिमला मिर्च को भी हम तकरीबन 1 मिनट के लिए पका लेंगे और इसे पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च की जगह अगर आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी इडली। मैंने यहाँ इडली को हाफ में कट करके यूज़ किया है, आप चाहें तो इसे 4 टुकड़ों में भी कट करके यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हम अपनी सारी वेजेस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए मैंने जो यहाँ इडली यूज़ की है वो है ओट्स इडली, जिसमें मैंने इडली के साथ ओट्स को कंबाइन किया है। तो इस रेसिपी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है या वीडियो के एंड में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओट्स इडली को बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब एंड में हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप लंबा कटा हुआ टमाटर। टमाटर को आप यहाँ बीज निकालने के बाद ही यूज़ करें, नहीं तो वो हमारी इडली को सौगी बना देगा। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे जब तक कि हमारा टमाटर ना पक जाए। और एंड में इसे थोड़ा टैंगी फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी टमाटो केचप। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप इसे ना डालना चाहें तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। केचप को भी हम अपनी सारी सब्जियों और इडली के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी ये मसाला इडली तैयार है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट या बोल में निकाल लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस मसाला इडली को आप चाहें तो एज अ ब्रेकफास्ट या एज अ स्नैक सर्व कर सकते हैं, या अगर आप इसे चाहें तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं। तो मेरी इस मसाला इडली की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर पर और मुझे बताइए मेरे कॉमेंट सेक्शन में कि ये आपको कैसा लगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें टू गेट दैट मोर हेल्दी अपडेट्स।